मैं शुरू करूंगी जून 2017 के योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू से. उन्होंने इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे. ये बात उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बोली थी. इस बात पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उनका 2014 का लोकसभा का एफिडेविट देखा जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो फाइल किया था, उसमें कम से कम 15 केसेस उनके ऊपर हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, दंगे करवाने का आरोप है, और लोगों को क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस उनके ऊपर है. तो क्या वो भी क्रिमिनल हैं? क्या उन्हें भी ठोक देना चाहिए? क्या ये बात उन पे भी लागू होती है? फरवरी के महीने में, पिछले महीने मैं करीब 14 परिवारों से मिली जिनके घर के लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर के नाम पर मार दिया. ये 14 लोग वेस्ट यूपी से थे और 4 डिस्ट्रिक्ट से थे, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत. सितंबर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के 6 महीने पूरे हुए थे, तब उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई थी, और ये उस वक्त जो इनकाउंटर चल रहे थे वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट गवर्नमेंट के 6 महीने का काम का बताया गया था. एनडीटीवी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कम से कम 1,00,000 तक रिवॉर्ड कोई भी पुलिस टीम दे सकती है अगर इनकाउंटर हुआ हो तो. तो ये बराबर पुलिस को रिवॉर्ड करना इनकाउंटर के नाम पे, उसको अपना अचीवमेंट दिखाना, ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था. जितने भी विक्टिम्स हैं इन 14 परिवारों से जिनसे मैं मिली हूँ, उनका एज ग्रुप 17 से 40 के बीच में है. लगभग सारे केसेस में यही दिखाया गया है कि वो या तो बाइक पे या कार पर कहीं से आ रहे हैं, पुलिस उनको रोकती है. जैसे ही पुलिस उन्हें रोकती है तो वो लोग उन पे पुलिस पर गोली चलाते हैं, और रिटेलिएशन में पुलिस उन पर गोली चलाती है, और सारे लोग घायल होते हैं, और अस्पताल में हमेशा डेड ऑन अराइवल होते हैं, हमेशा डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किए जाते हैं. बहुत सारे केसेस में ये पता चला है कि जिन लोगों को कहा गया है कि वो बाइक या कार पर आ रहे थे, उन्हें बाइक या कार चलानी भी नहीं आती थी. ज़्यादातर परिवारों के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है. सिर्फ 3-4 परिवारों से जिनसे मिली हूँ, उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबकी मृत्यु गोली से दिखाई गई है, मगर अगर आप उनके परिवार वालों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि सबकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, सबकी रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, आँख फूटी हुई है. इस तरीके की इंजरीज हैं जो ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई हैं, और इसका ये भी मतलब है कि सिर्फ गोली चलाने से मृत्यु नहीं हुई है, उसके पहले उन लोगों की बकायदा पकड़कर मार पिटाई की गई है, और उसके बाद उनको गोली चलाई गई. जो 42 लोग पुलिस ने तो जान से मार दिए हैं, उसके अलावा जो 1138 इनकाउंटर हुए हैं, उसमें करीब 300 से 400 लोग ऐसे हैं, ये हमारा एस्टिमेट है, गलत हो सकता है, यंग लड़के जिनके पैरों में गोली मारी गई है इनकाउंटर के वक्त. उनका इलाज ना कराते हुए पुलिस ने डायरेक्टली उनको जेल में डाल दिया है, और अब उनके पैरों की ये हालत है कि उनके पैरों में सेप्टिक हो गई है, और बहुत ही जल्दी बहुत लोगों के पैर कटने वाले हैं. तो ये हम लोग का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जेल के अंदर से ये कैसे इन्फॉर्मेशन निकालें और इसका प्रूफ कैसे निकालें. फरवरी 2018 में फिर से जब इनकाउंटर का क्वेश्चन यूपी विधानसभा में उठाया गया, तो आदित्यनाथ जी ने बोला कि ये सिलसिला थमेगा नहीं, और जो 1200 की फिगर उन्होंने दी है, इसका मतलब ये है कि इस समय रोज़ यूपी में 4 इनकाउंटर हो रहे हैं. इनकाउंटर डेथ्स इस देश में कितनी हुई है ईयर वाइज, ये क्वेश्चन किया था 5 मार्च 2018 डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री हंसराज गजराम ने जवाब दिया है, जिसमें से दिखाई देता है कि सिर्फ 2017-18 में 37 लोग व्यक्तियों की मौत हो गई है इनकाउंटर डेथ्स में. ये उनका जवाब पार्लियामेंट में है. 16-17 में 6 थे और 17-18 में 37 बढ़ गए. योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं यूपी को अपराध मुक्त करने वाला हूँ, और अपराध मुक्त करने का जो तरीका है वो है इनकाउंटर. एक पैटर्न दिख रहा है कि पूरी फैमिली की फैमिली क्रिमिनल मानी जाती है. तो मैं भी क्रिमिनल हूँ, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, सब क्रिमिनल्स हो गए. दूसरी पैटर्न जो नज़र आती है कि
जिन लोगों के ऊपर प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, उनके लिए एक बिल्कुल जैसे उन्होंने लिखा है एक रिसोर्स बन गया है, अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो ये तो बहुत आसान बात है, आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाल लो और वहाँ से देख लो कितने लोगों के प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, बस उनको पकड़ लो और उनका एनकाउंटर कर दो। ये चल रहा है, पहली बार हिंदुस्तान में देखा गया है कि एक जज जो अमित शाह का केस की सुनवाई कर रहे थे वो उसके केस से एक दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे जज को ट्रांसफर हो गया, क्या ट्रांसफर हो गया। तो मुझे डर है कि इस देश में वो समय आने वाला है जो इटली ने माफिया का समय था, जो माफिया को जज को उड़ाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे जो आपके रिपोर्ट हाथ में है, आपको पता चलेगा कि ये पूरे एक 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 सो कॉल्ड एनकाउंटर एक प्लान्ड चीज़ है। और जैसे इशरत जहान के केस में अगर आपने फॉलो किया हो, क्या था, इट वॉज एन एम्बुश, इट वॉज नॉट एन एनकाउंटर। रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री इज नाउ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये इनकाउंटर नहीं है, पॉलिटिकल इनकाउंटर्स हैं। आप पूरा देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि मुकीम काला गैंग के नाम पर पूरा शामली इलाके में इनकाउंटर होता है, ठीक उसी तरह से आजमगढ़ में जो इनकाउंटर होता है, आजमगढ़ में आप देखिए कि भाजपा वनली वन एक सीट जीती है और सब सीटें सपा बसपा जीती हैं, और जो लोग मारे गए हैं वो कौन हैं, रामजी पासी, मोहन पासी, छन्नू सोनकर, जयहिंद यादव, ये पूरा मुकेश राजभर, ये पूरा सोशल डायमेंशन बता रहा है कि ये जो पूरा इनकाउंटर हो रहे हैं, ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर है, न कि ये कोई क्रिमिनल है। अब इन पॉलिटिकल इनकाउंटर्स में अगर आप एक एक लड़के की आप हिस्ट्री देखेंगे तो रामजी पासी जो कि जियापुर का रहने वाला है, वो लड़का 600 वोटों से BDC का चुनाव जीतता है, और रईस जिसको पेडरा गाँव का रहने वाला, सरायमीर का रहने वाला है, वो व्यक्ति 1600 वोट पिछले पंचायत इलेक्शन में उपाया था। चारों जोन से इनकाउंटर्स करते हुए संदेश था कि आप अपराधी हो, अगर आप छोटे मोटे क्रिमिनल हो तो आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो हम आप इनको इनकाउंटर में ठोक देंगे। जितने लोगों का इनकाउंटर हुआ है वो बहुत ही गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, माइनॉरिटी कह लीजिए, ईसाई हैं, इस तरह के लोगों को कुछ पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि माने अभी ही हो रहा है, लेकिन इस ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डंके की चोट पर खुलेआम हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। मेरा गांव चिरचिटा बागपत जिला UP से हूँ। मेरे भाई को 30 सितंबर 2017 को हमारा कस्बा बालेनी पड़ता, उसमें 10 बजे सुबह उठा लिया गया। उठाने के बाद नोएडा पुलिस STF उसे उठा कर लेगी और हमारे पर से 3 लाख रुपए मांगे गए, 3.5 लाख रुपए कि हम जांच कर रहे हैं, तुम्हारे भाई को छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही पुलिस से भी हमने संपर्क किया, सबसे करने के बाद 2 तारीख को एक फर्जी मुठभेड़ करती है बिसरक थाने में। उससे पहले ना हमारे भाई पे कोई FIR है, ना हमारे पूरी फैमिली पे, 151 का भी मुकदमा कहीं दर्ज नहीं है। 25,000 रुपये इनाम 2 अक्टूबर में करते हैं और 3 अक्टूबर की रात को उसके सीने में एक गोली मारकर और उसको 50,000 का इनामी बदमाश कर उसकी हत्या करके मेरे घर भेज देते हैं। लेकिन मैंने उसे 72 घंटे अपने घर पर रखा है और मेरी एक ही मांग थी कि इसका रिपोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मेरे भाई को 30 तारीख में उठाया गया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि 1 महीने में जांच होगी, आज 6 महीने हो गए हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा और एक ही एजेंसी पर भरोसा है, CBI जांच होनी चाहिए। एक संजय चौहान सांसद रहे बिजनौर से, उनके बेटे भी आए, मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा अक सहारनपुर में कोई बात चल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं भाई क्या कर रहे हो, नहीं मुसलमान को ठोक रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, मेरी पूरी बात सुने, जब कोई अर्थ लगावें, नहीं मुसलमान ठोके जा रहे हैं मेरे जैसे लोग, खुश हो जाए बैठ के। तो ये संजय चौहान के बेटे ने कहा, चंदन चौहान ने, उन्होंने ये बात कही
पुलिस के दो लोग बात कर रहे थे। भाई हमें नहीं पता था कि बहुत जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा। मैं कहा ये नंबर क्यों आया चंदन जी, तो उन्होंने कहा भाई बैलेंस बना के रखना है, भाई चार ये मार दिए तो एक दो तो ठोकना पड़ेगा। समाज में इतना विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं, इन्हें कुछ ना करना पड़े, इन्हें विकास विकास की क्या जरूरत है। जब हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है तो इनकी तो अपने आप सरकार आगे भी आएगी, इनकी इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो इन्हें आपस में ज़रूरत ही नहीं है। इनकाउंटर क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये गैर कानूनी हत्याएं हैं जो कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में इतने धड़ल्ले से करवा रही है। इसमें एक डिस्टर्बिंग फीचर और है कि जो मारे जा रहे हैं वो तो 40-45 के करीब अभी तक जो है अपराधी मारे गए हैं, उसके साथ साथ जो जिनको इंजर्ड किया जा रहा, जिनको जख्मी किया जा रहा, पैरों में गोलियां मारी जा रही, टांगों में गोली मारी जा रही, मुझे समझ नहीं आती अगर आपका एनकाउंटर हो रहा है तो अपराधी को गोली सीने में बाँह में इधर कहीं लगनी चाहिए, तो वो भी एक एनकाउंटर की एक नीति है कि आप ज़्यादा मारेंगे तो ज़्यादा हल्ला होगा, इसीलिए थोड़े मारो बाकी को इंजर्ड करके छोड़ दो और उनको जेल में मरने दो, क्योंकि फिर वो संख्या भी नहीं बढ़ती, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि फलान काउंटर के एक तो मर गया था, बाकी जो दो इंजर्ड हुए थे वो बचे या नहीं बचे ये भी पता नहीं चलता। अपराध के माने हैं साफ साफ कि जो कानून के विरुद्ध काम करे वो अपराध है, लेकिन क्या ये अपराध सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसका एनकाउंटर होता है? क्या ये अपराध पुलिस पक्ष नहीं करता? एनकाउंटर का भी एक तरीका है, एक कानून है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप भी अपराध कर रहे हैं। एक मामले में योगी जी पर एक दरगाह के अंदर जाकर मज़ार में तोड़फोड़ करने, चादर जलाने का, मजहबी किताबों को नुकसान पहुंचाने का संगीन आरोप है, 436 लगी है और 436 में आजीवन कारावास होता है। 2007 का मामला, और उसमें दरोगा उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करता है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस के बाद क्या बचता है, आरोप तय होते हैं, लेकिन 2009 से आज तक उस केस में आरोप तय नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के चार चार जजों ने ये कहा कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है? ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, ये मर्डर हैं, एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर जो हो रहे हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेशन से हो रहे हैं, ये हमको समझने की ज़रूरत है। हम सब लोगों को इस मुहिम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा मजबूती के साथ में, और इसका जवाब हमको पॉलिटिकली ही देना पड़ेगा।